नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम। बिहार में राजनीति के गलियारे में जो हलचल चल रही है, सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस को लेकर के। रामचरितमानस पर मंत्री का जो विवादित बयान आया है, वो क्या उनका फिसला हुआ जुबान है या फिर इसके पीछे कोई सियासी प्लान है, आज इसी मुद्दे पर मैं आपको बहुत ही बारीकी से सभी चीजों को समझाऊंगा। आरजेडी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया है, उसको लेकर के भाजपा बहुत ज्यादा आक्रोशित है। हो क्यों ना, भाजपा हिंदुत्व की जो राजनीति करती है। दूसरी ओर जो महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भी डायरेक्ट रूप से इस बयान का कंडेम नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से जब सवाल किया जाता है तो वो भी बीच में संविधान को लेकर के आ जाते हैं, और इस बयान से ये दोनों नेता कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। तीसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के जगदानंद सिंह, वो मंत्री के साथ खड़े नजर आते हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है? इतना बवाल होने के बाद पूरे भारतवर्ष में इस विवादित बयान को लेकर के इतना अफरा तफरी होने के बाद आरजेडी अपने उस नेता के साथ क्यों खड़ी है? ये सिर्फ विवादित बयान जवान के फिसलने और अचानक से बोलने का नहीं है, इसके पीछे बहुत ही गहरी राजनीतिक साजिश है, बहुत ही बड़ा एजेंडा है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी ओर जो चंद्रशेखर है, एजुकेशन मिनिस्टर है आरजेडी के, वो अभी तक अपने बयान पर कायम है। इसके पीछे आरजेडी का राजनीतिक प्लान क्या है, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। देखिए, दोनों नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट रूप से इस बयान का किसी ने निंदा नहीं किया है। भाजपा इस बयान को लेकर के आक्रोशित है, और यह बयान तब आया है और इस पर विवादित बयान पर जो है टीका टिप्पणी उस समय हो रही है जब बिहार में जातीय जनगणना चल रही है। अब इस बयान का क्या आरजेडी को फायदा होने वाला है? तो जी हाँ, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषण करता है वो बताते हैं कि इस बयान का आरजेडी को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। फायदा इसलिए होने वाला है कि आरजेडी बिहार में समाजवाद की राजनीति करनी चाहती है, समाजवाद को गढ़ना चाहती है, और यह जो बयान है, यह बयान से आरजेडी को यह लगता है कि जो दलित है, जो समाज में शोषित वर्ग है, उनका सपोर्ट आरजेडी को मिलेगा, और हिंदुत्व की जो राजनीति भाजपा कर रही है उसको वो कमजोर कर पाएंगे। भाजपा हर जगह से जीतने के बाद बिहार में जो जातियों का तिलिस्म है उसमें कहीं ना कहीं आकर के फंस जाती है। हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन आरजेडी इस तरह का बयान जब आरजेडी पार्टी का कोई मिनिस्टर चंद्रशेखर बयान लेकर के आते हैं, और जब इस बयान पर अफरा तफरी मचती है, तो पूरा आरजेडी खेमा उस मंत्री के साथ खड़ा रहता है। तो इससे साफ तौर पे नजर आता है कि आने वाले समय में इस तरह की सोची समझी जारी की गई बयान से आरजेडी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है। आरजेडी जो समाजवाद का चेहरा बिहार में गढ़ना चाहती है, उससे उसको इसमें बल मिलेगा। हिंदुत्व को कमजोर करने यानी भाजपा को कमजोर करने का एक बहुत ही बड़ा सियासी प्लान हो सकता है आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। अब बात करते हैं जदयू की। जदयू पार्टी इस बयान से, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो और नेता है, वो भी डायरेक्ट रूप से इस बयान का कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का तो हाल, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि कुढ़नी उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार का जो लीडरशिप का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जो है उनका यह हाल हो गया है, न उनको खाए बन रहा है न उगले हुए बन रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को तो कुर्सी का लोभ है, कुर्सी उनको चाहिए ही। पार्टी छोटी हो, बड़ी हो, विधायक कम हो, ज्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहने के लिए वो किसी चीज से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बयान जो है बिहार के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को आहत करेगा, किस चीज की निंदा करनी चाहिए, किस चीज की निंदा नहीं करनी चाहिए। कुर्सी बची रही, ये नीतीश कुमार का लोभ है, जो हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी देखा जाएगा। अब आरजेडी जो है, आपने देखा कि सुधाकर सिंह ने भी नीतीश कुमार को शिखंडी कहा था, तो बहुत विवाद हुआ। विवाद होने के बाद आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और ये कहा गया है कि लालू यादव ने
के कहने पर सुधाकर सिंह को आरजेडी ने ये नोटिस थमाया है। नोटिस में ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। ठीक है भाई, आरजेडी के सुधाकर सिंह अगर नीतीश कुमार को शिखंडी कह देते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं आरजेडी के मिनिस्टर चंद्रशेखर जब रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए। इस सियासी समीकरण को और इस सियासी गहमागहमी को समझने की जरूरत है। बिहार के उन आम जनता को जो इस सियासत के चक्रव्यूह में फंसकर अपना समय अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। बिहार में न रोजगार की बात हो रही है, बिहार में न फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है, बिहार में योजनाओं को किस तरह से धरातल पर लागू किया जाए, करप्शन को कैसे खत्म किया जाए, इस पर कहीं बात नहीं हो रही है। और इसका कहीं न कहीं फायदा आरजेडी को हो रहा है। आने वाले समय में जो दलित शोषित वर्ग है उनका पूरी तरह से समर्थन आरजेडी को मिलेगा, और आरजेडी को समर्थन मिलने के बाद भाजपा कमजोर होगी। नीतीश कुमार कहां जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन देखते जाइए। आने वाले समय में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से भाजपा से छोटी छोटी पार्टियां बगावत करने के बाद आज कहीं के नहीं है, वहीं हाल नीतीश कुमार का होने वाला है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल अभी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से जुड़े हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।